अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसे हो आप सब बच्चों? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है मैम, आपका अल्हम्दुलिल्लाह मैम। ठीक है। अच्छा, आप लोगों का जो आप में से कोई बच्चा मुझे थोड़ा सा आइडिया दे सकता है, आपने SCP-1 में क्या कुछ कवर किया था? और ये भी कि ये सारे DNS के बच्चे हैं या कोई DPT या किसी और फील्ड का भी है? ठीक है मैम, DPT की मैं हूँ। ज्यादा स्ट्रेंथ DPT के बच्चों की है या DNS? DNS की मैम। मुझे जो लिस्ट मिली DNS मैम। ठीक है, मुझे SCP-1 का कोई थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे। आप लोगों ने उसमें क्या कुछ कवर किया था? मेन टॉपिक्स पॉइंट्स क्या थे आप लोगों के? SCP-1 में हमने हिस्ट्री पे मेन फोकस किया था कि हमने पेशेंट को कैसे करना है और उसके हिस्ट्री कैसे हमने टेक इन करनी है। कुछ हमने स्पेसिफिक चीजें पढ़ी थी कि जैसे वो आते हैं तो फॉर्म फिल करते हैं, सबसे पहले एज, नेम, ऑक्यूपेशन और ये वाली सारी चीजें पूछ के उसके बाद पेन पे आते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हमने हिस्ट्री के चीजें पढ़ी। मैम सिस्टमिक व्यू भी था थोड़ा सा, सारे सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कराया था, जो मेन मेन टर्मिनोलॉजीज थी वो पढ़ी थी उसमें, लाइक स्किन डिसऑर्डर उसमें CVS का था, रेस्पिरेटरी सिस्टम का था और रिप्रोडक्टरी सिस्टम का था। ठीक है, और इसके अलावा कुछ? उसमें मैम, मैम यू विल बी टेकिंग आवर SCP-2 क्योंकि हमें पोर्टल पे कोई और रिसोर्स पर्सन शो हो रहा है। पोर्टल पे आपको डॉक्टर इमराना नुमान? यस मैम, डॉक्टर इमराना। नहीं मैम, डॉक्टर सारा। डॉक्टर सारा बेटा, आप लोग सेक्शन बी हो ना? जी मैम, इट्स सेक्शन बी। पहले डॉक्टर सारा शो हो रही थी, उसके बाद पोर्टल पे के अब हमें करंट डॉक्टर इमराना नुमान शो हो रही। यस मैम, हमें सुबह सर हारिस ने बताया था कि अब आप हमें पढ़ाएंगी मैम इमराना की जगह। जी, आपको मैं ही पढ़ाऊंगी ये वाला सब्जेक्ट, तो शुरू करें फिर। यस मैम, यस मैम। अच्छा बेटे, SCP-2 में भी ऐसा है कि ऑलमोस्ट वही चीजें हैं जो आप लोगों ने मुझे अभी बताई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा जो आपको लगे कि जो आपको चीज नहीं समझ आ रही, वो एट द एंड आप मुझसे क्वेश्चंस कर लीजिएगा, वो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। जो मुझे भी नहीं पता होगी कोई चीज या किसी चीज के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं होगी, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ऑलराइट मैडम। चलिए मैम। जी मैम, इसके हमारे टोटल लेक्चर्स कितने होंगे? लाइक SCP-1 के हमारे टोटल 10 लेक्चर्स हुए थे। जी, इसके भी 10 ही हैं। ओके मैम। मैम, ये सब्जेक्ट ऑनलाइन चलेगा? बच्चे अभी तो कुछ भी जो है ना डिसीजन फाइनल नहीं हुआ। कभी वो कह रहे हैं कि मतलब वो जैसे इवन ऑड का आज आप लोगों को मेल आई थी उस तरह से होगा। और आप सबकी वैक्सीनेशन हो गई हुई है? यस मैम, फर्स्ट डोज हुई है, सेकंड डोज रहती है। नो मैम, अभी नहीं हुई मैम, हमारी नहीं हुई अभी। अच्छा, जिन बच्चों की नहीं हुई मतलब उन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं उनकी हुई है अभी, या दोनों ही नहीं? दोनों ही नहीं हुई। अच्छा, तो करवानी नहीं है आप लोगों ने? कोई इरादा नहीं है मैम करवानी है, अभी डेट नहीं आई। अच्छा, स्टूडेंट्स की तो मेरा मैं इसके साइड इफेक्ट सुना हुआ है। मैम ना करवाएं तो कोई मसला है? मतलब अगर ना करवाना चाहे कोई तो? बच्चे आप ऑन कैंपस क्लासेस नहीं ले सकोगे, यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन कार्ड या कोई प्रूफ उसका देना पड़ेगा ना। तो मैम यूनिवर्सिटी वालों को चाहिए ना कोई वैक्सीनेशन हमारी करवा दें, जैसे यूनिवर्सिटीज में होता है ना, जैसे हमारी इधर है तो करवा रहे हैं ना। आपके पास स्टूडेंट आईडी कार्ड है ना? Yes. तो उसकी बेस पर हो जाएगा आपका, क्योंकि तो वैसे भी 19 अप्रैल स्टार्ट हो रही है। हाँ, तो आप वॉक इन है, आप लोग अपना जो CNIC नंबर है उस पे सेंड करो और उसके बाद चले जाओ वैक्सीनेशन के लिए।
मैम बेस्ट वैक्सीनेशन कौन सी है जो हमें करानी चाहिए? मुझे हमें चॉइस नहीं मिलती हमें चॉइस नहीं मिलती बस वो लगा देते हैं मैम घर वाले नहीं मानते वैक्सीनेशन के लिए क्यों मैम मतलब एक वक्त से एक बच्चा बोले मुझे इसका कुछ भी नहीं समझ आएगा मैम अभी जो वैक्सीनेशन आ रही है ना मैम बन के जी. वो कह रही है कि वो टेस्टेड नहीं है वो बहुत जल्दी में इन लोगों ने बनाई है वो टेस्टेड ही नहीं है तो उसमें कह रही है साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है मैम हाँ हमें लगने के बाद ना वो कल ही WHO ने अप्रूव कर दी है करवा लो आप लोग भी मैम ये सारी रूमर्स हैं और हाँ ऐसे ही है चलें जी अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ कोई सबसे पहले मुझे ना आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी एक बच्चा मुझे एक्सप्लेन कर दे कि अगर आपने किसी का मतलब फिजिकल एग्जामिनेशन करना है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे मैम सबसे पहले तो उस नेम वगैरह पूछेंगे ठीक है और अगर उसकी कोई डिजीज है लाइक उसको जो कंप्लेंट है उसके बारे में पूछेंगे फिर उसकी हिस्ट्री लेंगे अच्छा आप डायरेक्ट उसकी पेशेंट से उसका नाम पूछोगे मैम सबसे पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एंटर होगा पेशेंट तो उसको देखना है कि वो किस तरह से आया उसको चलने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई या उसकी फिजिकल अपेरेंटली वो किस तरह से लग रहा है पेशेंट ये जिस बच्चे ने बोला था ना कि सबसे पहले हम खुद को इंट्रोड्यूस कराएंगे तो आपने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाना होता है खुद को इस तरह से कि पेशेंट है ना उसको आपसे पॉजिटिव वाइब्स आए ठीक है जब तक आप मैम थोड़ा फ्रेंडली इंट्रोडक्शन हो जाता है नहीं बेटे आपने अपना इंट्रोडक्शन देना है कि मैं आपसे कॉन्सेंट लेना होता है पेशेंट का जी कॉन्सेंट भी लेना होता है इंट्रोडक्शन में जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो उसको थोड़ा सा बताते हो तो फिर उसके बाद आप कॉन्सेंट की तरफ आते हो ठीक है यस मैम एक रिपोर्ट बिल्ड करनी होती है ना उनसे क्वेश्चन से पहले जी और मैम वर्टिकल साइन देने होता है जी ठीक है अच्छा इसमें आ जाता है जी सबसे पहले कि जब आपने हिस्ट्री लेनी है तो आपने सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना है आपका बिहेवियर पॉजिटिव होना चाहिए फ्रेंडली होना चाहिए ये नहीं कि आप बहुत ही जो है जैसे यूनिवर्सिटी से वापस आते हुए आप लोगों की शक्लें होती हैं या हम सब की होती हैं उस तरह की शक्लों के साथ आपने पेशेंट के पास नहीं जाना ठीक है कॉन्फिडेंट रहना है उनसे बात करते हुए फिर उसके बाद अगर आप पेशेंट कि जब हिस्ट्री ले रहे हो तो कोई भी अगर ऐसी बात आप उससे सुनते हो जो कि आपको ज्यादा ऑड लगती है या कुछ मतलब उसमें ऑकवर्ड लगता है तो आपने उसको एक्सप्रेस नहीं करना ठीक है एक्सप्रेशंस के थ्रू भी एक्सप्रेस नहीं करना और वर्बली भी आपने उसको नहीं कुछ बोलना ठीक है कुछ भी सार्केस्टिक नहीं होना चाहिए कुछ भी टॉन्टिंग नहीं होना चाहिए आपकी टोन में आपकी टोन अच्छी होनी चाहिए ठीक है उसको डिस्करेज नहीं करना कि वो आते साथ ही आपका फर्स्ट इम्प्रेशन उस पेशेंट पे ये पड़े कि यार ये तो बंदा मतलब मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा है या ये मुझे जज कर रहा है तो मैं इसके साथ कैसे अपनी सारी डिटेल बता सकता हूँ ठीक है यस मैम फिर उसके बाद आ जाती है जी लैंग्वेज लैंग्वेज ये है कि अगर सपोज जैसे आप लोग अभी प्रैक्टिकल फील्ड में जाओगे तो बहुत सारी चीजें होंगी मेडिकल टर्म्स इस तरह की होती हैं जो लाइक आपको तो वो बहुत कॉमन लगती हैं लेकिन जो लेमैन होता है उसको नहीं पता होता कि आप कहना क्या चाह रहे हो उसको बात समझ ही नहीं आती तो या तो वो आपको सही से रिस्पॉन्स नहीं देगा या उसका इंटरेस्ट ही डिवेलप नहीं होगा ठीक है जी मैम आपने कोशिश करनी है कि सिंपल लैंग्वेज में नॉर्मल लेमैन की जो लैंग्वेज होती है आपने उसमें उससे बात करनी है ठीक है ताकि आप इजीली अपना मैसेज कन्वे कर सको और उसकी बात भी आपको समझ आ सके फिर उसके बाद जब आप पेशेंट से हिस्ट्री लेना स्टार्ट करते हो तो उसको बीच में बार बार इंटरप्ट नहीं करना उसको पहले इंट्रोड्यूस कराओ फिर लाइक इंट्रोडक्शन के बाद आप उसको जो है मतलब थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो जाए तो उसको कुछ मेन पॉइंट्स बताओ कि आपको हिस्ट्री में लाइक क्या चीजें जो हैं वो मेनली आप चाहते हो आपको हाँ एग्जैक्टली ठीक है फिर उसके बाद आ जाएगा जी आपने
अच्छा कोई मेडिकल टर्म की मुझे आप लोग एग्जांपल दो जो हम लोग प्रैक्टिस में यूज करते हैं लेकिन लेमैन को नहीं पता होती. हाइपरटेंशन जी, और डायबिटीज, इसको यूजुअली शुगर कहा जाता है जी, और टेकीकार्डिया, ब्रेडीकार्डिया या एरिथमिया. हाँ जी ठीक है, इस तरह की कोई भी इस तरह के टर्म जो है वो आपने पेशेंट के साथ यूज नहीं करनी. फिर उसके बाद जब आप पेशेंट से बात कर रहे हो तो इसका मतलब ऐसे नहीं है कि उस वो अभी पेशेंट आपसे बात कर रहा है और आपका पूरा फोकस जो है वो नोट डाउन करने में है. ठीक है, आप बस मेन क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी वो चीजें पता है. ठीक है, आप बस उनके मेन पॉइंट्स लिखोगे और उसके बाद जो है आप उसको फिजिकल, लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन से जो पहले है ना आप उसको अपनी जो हिस्ट्री टेकिंग की जो सारी चीजें हैं, टर्म्स वगैरह आपने जो पॉइंट्स बनाए हैं उसको आप कंप्लीट करोगे डिटेल में. ठीक है, फिर उसके बाद आप फिजिकल एग्जामिनेशन की तरफ जाओगे. अच्छा जी, अब हिस्ट्री रिकॉर्ड में ये तो हो गए बेसिक जो रूल्स हैं. ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग आपने स्टार्ट कैसे करनी है. उसके बाद आ जाता है रिकॉर्ड. सबसे पहले आप जो है पेशेंट का नेम पूछते हो और जो है उसका फर्स्ट नेम ही नहीं, आपको उसका सरनेम भी पता होना चाहिए और आपके उसमें जो आप नोट्स मेंशन कर रहे हो या कोई आपके पास असेसमेंट फॉर्म है उसके ऊपर मेंशन होना चाहिए. ठीक हो गया? Yes, sir. इससे ये होता है कि आप जो है ना पेशेंट को मतलब अगर ये भी होती है पॉसिबिलिटी के एक ही एरिया में आपके पास ज्यादा पेशेंट आ जाएं और सेम नेम के और आपको ना पता चल रहा हो कि ये लाइक ये कौन सा पेशेंट है. ठीक है, आप फिर उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाओगे, हो सकता है कि चीजें मिक्स हो जाएं. जैसे मैं एक दफा गई थी एक वार्ड रोटेशन पे तो उस एक ही वार्ड में एक ही जो हॉल था उसमें ऑलमोस्ट 4 पेशेंट्स जो थी उनका सेम नेम था. ठीक है, इस तरह के केसेस हो जाते होते हैं कभी कभी, तो आपने जो है उसका फुल नेम मेंशन करना है. उसके बाद जो है आपने उसकी एज मेंशन करनी है. अगर तो उसको अपनी एग्जैक्ट एज नहीं पता तो आप उससे अगर आपको किसी की लाइक एग्जैक्ट एज उसको खुद भी नहीं पता तो आप एस्टिमेट करने के लिए क्या पूछोगे उससे? मैम उससे पूछेंगे कि उसका सबसे बड़ा बच्चा कितने साल का. ठीक है, ये कहीं SCP-2 के ही तो बच्चे नहीं है, आप लोगों को तो सब आता है. मैम ये मुझे लग रहा है हमें ये इंफॉर्मेशन ही बता रहे हैं. मैम पहले क्लास से आज SCP-2? सॉरी आप क्या कह रहे हो बेटा? मैं कह रही हूँ कि आज SCP-2 की पहली क्लास है, साथ ही पढ़े. अच्छा अच्छा सही है. अच्छा हाँ अच्छा, अगर वो मैरिड नहीं है तो फिर मैरिड नहीं. मैम कोई फेमस इवेंट हम लोग पूछते हैं कि जब जैसे हम लोग पूछते हैं कि उस साल जिस साल ये था तो आप कितने कितने साल की होंगी जब ये इवेंट हुआ था या कुछ भी ऐसे होते. जैसे आंटीज नॉर्मली बताती हैं कि मैं 3 साल की थी या 4 साल की थी जब पाकिस्तान बना था या कुछ ऐसे. हाँ, या जब 2005 का अर्थक्वेक आया था तो मैं यहाँ थी. हाँ ठीक है. अच्छा फिर उसके बाद आ जाता है जी. अच्छा और दूसरा ये कि एज इसलिए भी जरूरी होती है मेंशन होनी कि अगर मतलब आप किसी का फॉर्म देखकर तो नहीं बता सकते ना, असेसमेंट फॉर्म देखकर तो नहीं बता सकते कि जी इसकी एज क्या होगी. तो उसके लिए जो है मतलब अगर डायग्नोसिस होता है तो लाइक जो सर्वे बेस्ड स्टडीज होती हैं या जो रिकॉर्ड में चली जाती है चीजें उसके लिए ये चीज मेंशन करना ज्यादा जरूरी होता है कि ताकि ये पता चल सके कि जो अगर मतलब कम एज ग्रुप के लोग हैं उनमें क्या चीज कॉमन आ रही है और जो ओल्डर एज ग्रुप है उसमें क्या चीज कॉमन आ रही है. ठीक है, कोई एग्जांपल बताओ मुझे ऐसे किसी डिजीज की जो छोटे बच्चों में कॉमन हो और जो बड़ों में कॉमन हो. मैम जैसे आयरन डेफिशिएंसी चिल्ड्रन में प्रिवेल कर हमारे यहां. ठीक है, और मैम रिकेट्स, पोलियो. हां जी पोलियो, न्यूमोनिया, साइनोसिस, रिकेट्स, टाइफाइड. ये तो
इस तरह से हो जाती है ना, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हैं या किसी बैक्टीरिया या वायरल की वजह से हो रही है, जैसे टाइफाइड है तो ये भी एक बैक्टीरिया की वजह से होता है, फूड पॉइजनिंग होती है जिसकी वजह से जो है टाइफाइड होता है. मुझे वैसे जो कॉमन प्रॉब्लम होती है एसोसिएटेड विद एज ग्रुप वो बताओ. ऑस्टियोपोरोसिस मैम. जी मैम. कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स. हाँ जी हार्ट प्रॉब्लम्स होती है, उसके अलावा अल्जाइमर होती है, ठीक है, न्यूरोडिजेनरेटिव नहीं, चाइल्डहुड ओबेसिटी नहीं आएगी क्योंकि ओबेसिटी के लिए कोई भी उस तरह से एज ग्रुप जो है वो स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है. अल्जाइमर अभी किसी छोटे बच्चे को तो नहीं हो सकता ना, ठीक है. इसी तरह से जो अब जैसे किसी बच्चे ने पोलियो बोला था, तो पोलियो जो है वो जो छोटे बच्चे होते हैं, कम एज ग्रुप के लोग होते हैं, उनमें ज्यादा कॉमन होता है, ठीक है. उसके बाद आ जाता है जी जेंडर, ठीक है. इसकी बेसिस पे भी अब जैसे एज का डिफाइन किया है, इसी तरह से जेंडर बेस्ड भी कुछ चीजें ज्यादा कॉमन होती हैं, जैसे कि अगर कोई कह लो के हार्ट डिजीज है सपोज, ठीक है, वो ज्यादा कॉमन है मेल्स में, ठीक है. इसी तरह से अगर सिरोसिस को देखें वो फीमेल्स में ज्यादा कॉमन है, ठीक है. बच्चों सारे चुप कर गए हो, समझ आ रहा है? यस मैम. जी मैम आ रही है. यस मैम. यस मैम सुन रहे हैं. उसके बाद आ जाता है जी आपका ऑक्यूपेशन. ऑक्यूपेशन किस चीज के लिए जरूरी होता है मैम, कि वो किस एरिया से आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल अगर कोई माइनर है, कोल माइनर है, तो उनको लंग्स की प्रॉब्लम उससे एसोसिएट होगी, इसलिए ऑक्यूपेशन इसलिए पूछना जरूरी है ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ऑक्यूपेशन से ये उनकी डिजीज रिलेट ना कर रही हो. ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया मैम. ऑक्यूपेशन फाइनेंशियल स्टेटस. हाँ जी, फाइनेंशियल स्टेटस के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है ताकि उनकी डाइट और बाकी असेसमेंट देख सकें किस तरह के मेडिकेशन वो अफोर्ड करेंगे. जी बिल्कुल, आपको इस तरह से एक असेसमेंट हो जाती है कि उनके रिसोर्सेज कितने हैं. अगर तो वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके, तो फिर आप उनको जो प्रिस्क्रिप्शंस दोगे, या अगर कोई मतलब आप लोग डाइट प्लान बना रहे हो या उनको फिजियोथेरेपी की कोई गाइडलाइन दे रहे हो, तो आप उनके उसी के अकॉर्डिंग दोगे, ठीक है. या ये हो सकता है कि जो अगर सपोज फिजियोथेरेपिस्ट होगा वो किसी बहुत हाई फाई किस्म के उसके पास नहीं रेफर करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको पता होगा कि वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक कह लो के फॉर्मेलिटी ही पूरी होगी, ठीक है. वो कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेज या कुछ इस तरह की चीजें जो है वो अपने क्लाइंट को बता सकता है, अपने पेशेंट को बता सकता है, जो वो खुद से कंडक्ट कर सके और उसमें उसको कोई प्रॉब्लम ना हो. इसी तरह से अगर कोई मतलब डाइट प्लान अगर किसी ने बनाना है, तो उसमें से जो है आप वो बेसिक ऑप्शंस देखोगे और जो मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबिलिटी है उसकी, अफोर्डेबिलिटी है, ये सारी चीजें कंसिडर करते हुए आप उनको वही चीजें रिकमेंड करोगे, ठीक हो गया. उसके बाद अच्छा, अभी इधर एक बच्चे ने ऑक्यूपेशन में वो बोला था क्या बोला था, डिजीज के उसके लिए कोल माइनर्स. हाँ, कोल माइनर्स के लिए. इसमें ये भी हो सकता है, ये एक मतलब एडिशनल पॉइंट है इसका, इससे अंदाजा हो सकता है कि अगर किसी की लाइक कह लो के वर्किंग एनवायरनमेंट इस तरह की है, तो उसको फ्यूचर में कौन से किस किस चीज के वो रिस्क फैक्टर पर है, ठीक है, उसको फिर एज ग्रुप के साथ भी इसी तरह मैच किया जा सकता है कि अगर ये इस एज में है और इस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहा है, उसका ऑक्यूपेशन ये है, तो फिर आपको आसानी होती है आइडेंटिफाई करने में कि वो किस चीज के रिस्क फैक्टर पे है, अंडरलाइन कॉज जो होती है वो आप जल्दी डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, रूट कॉज जो होती है वो आपको जल्दी पता चल सकती है. उसके बाद आ जाता है जी आपका एड्रेस. एड्रेस को आप किस तरह से जस्टिफाई करोगे कि अगर आपके हिस्ट्री में चाहिए तो, लाइक अगर आप हिस्ट्री में मेंशन कर रहे हो, तो उसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि हमें आपका एड्रेस क्यों चाहिए.
जैसे आजकल हम पेंडेमिक के उसमें रह रहे हैं, कुछ डिजीज जो कुछ एरियाज में प्रेविलेंट होती है, तो एड्रेस इसलिए पूछेंगे कि कहीं ये इस इलाके से तो नहीं आ रहे जहाँ फॉर एग्जाम्पल डेंगू की बहुत ज्यादा केसेस आ रहे हैं, इसी डिजीज के साथ रिपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम एड्रेस पूछेंगे। और उसके अलावा फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर कोई लाइक अगर किसी फ़ोन वगैरह के थ्रू कांटेक्ट नहीं हो पा रहा या कोई फॉर्मल कोई लेटर है या कुछ अपडेट देनी है या कुछ इस तरह का डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स, हाँ डायग्नोस्टिक रिपोर्ट्स के अलावा वैसे भी अगर आपने कोई अपडेट देनी है या लेनी है तो आप उनसे पोस्टल एड्रेस के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक लास्ट कह लो के ऑप्शंस ऑप्शन बचती है आपके पास फॉर द थेरेपिस्ट और न्यूट्रिशनिस्ट जो भी है उसके पास ये लास्ट ऑप्शन बचती है कि वो इस तरह से अपने क्लाइंट को कॉन्टेक्ट कर सके और उसको आइडिया हो सके कि अब उसकी क्या जो है वो प्रेजेंट कंडीशन है या अपडेट क्या है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपका उसके बाद जो नेक्स्ट फोकस है वो जो उसको उस वक्त प्रॉब्लम हेल्थ प्रॉब्लम जो वो फेस कर रहा है आपने उसको फोकस करना है। ठीक है, अब किसी को अगर सपोज पेट दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको काफी दिनों से है लेकिन उसने उसको इग्नोर किया है, लेकिन करते 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 एट द एंड उसको अगर डायरिया हो गया है, ये सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। ठीक है, अब अगर उसको डायरिया हो गया तो आप ये नहीं कहोगे कि मैं पहले उसके जो उसके पेट में दर्द हो रहा है उसको फोकस करूंगा, ऐसा नहीं है। जो उसकी प्रेजेंट कंप्लेन है आप उसको पहले एड्रेस करोगे, बाकी चीजें जो है वो बाद में आएंगी। उसके बाद जो है आपने इनके सिम्टम्स नोट डाउन करने हैं, उनके साथ साथ आपने उनका जो है ड्यूरेशन भी मेंशन करना है कि अगर किसी को सपोज पेन हो रहा है, स्टमक में पेन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद जो है उसको कुछ दिनों के बाद, पहले कुछ दिन उसको स्टमक में पेन रही, फिर उसके बाद उसको वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई, फिर उसके बाद उसको डायरिया भी हो गया, तो ये जो चीजें हैं वॉमिटिंग और डायरिया ये आपका सबसे पहले किस चीज को इम्पैक्ट करेंगी? सिस्टम इलेक्ट्रोलाइट डिहाइड्रेशन भी होगी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा, डिहाइड्रेशन होगी, तो आपने सबसे पहले उसको कवर करने की कोशिश करनी है। ठीक है, जब वो चीजें थोड़ी कवर होंगी उनको आप फिर आपके पास जो भी अवेलेबल ऑप्शंस होंगी उसके थ्रू करोगे। सबसे जो कॉमन चीज है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस को, मतलब कह लो के बहुत सीवियर कंडीशन में नहीं लेकिन मॉडरेट कंडीशन में आप किस तरह से उनको रिकवर करते हो? सॉरी क्या देते हो? आईवी चढ़ाते हैं ना जी सबसे पहले। मैं आपको मॉडरेट कंडीशन कह रही हूँ, आईवी वगैरह तो थोड़ा वो सीवियर में आ जाती है। अगर किसी को ये ORS वगैरह, हाँ जी, अच्छा ये जो DNS के बच्चे इनको ORS की रेसिपी आती है? Yes, ma'am. क्या है रेसिपी? Ma'am, in 4 glass of lukewarm water या tap water, कुछ tablespoons sugar के हैं और equal tablespoons salt के हैं। ठीक है, और ये कुछ tablespoons कितने हैं? आप इसको सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो उसके साथ, अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियर केस नहीं है तो हेल्दी ऑप्शन के साथ कर सकते हो। ये DNS के बच्चों को बता रही हूँ मैं। ओके, अब उसके बाद एक्सक्यूज मी मैम, जी बेटा, जी मैम एक्चुअली ग्रुप में वो ना दोस्त है मेरी, वो भी CFCP की क्लास में, बट वो मीटिंग ज्वाइन नहीं कर पा रही, पर मैम वो कह रही है कि मीटिंग 100 तक रीच कर गई है। इतने सारे बच्चे आ गए हैं? जी मैम, वो उसे ज्वाइन नहीं हो रही मीटिंग। अच्छा बच्चों, मेरा जो है ना ये अकाउंट मैंने आज ही वो लॉगिन किया था,
तो इसमें जो है ना मेरा अभी बेसिक वाला है, अपग्रेड नहीं हुआ। उस बच्ची का नाम जो है वो मुझे उससे कहें कि ईमेल में ना मुझे मैसेज कर दे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और अपना पूरा नेम जो है वो मुझे मैसेज मेल पे भेज दे, मैं उसकी अटेंडेंस मार्क कर दूंगी। जी मैम थैंक यू। बेटा कौन सा रिकॉर्डिंग शेयर कर दीजिएगा। ठीक है मैं कर दूंगी मैम। हमारा ग्रुप है ना व्हाट्सएप, तो उधर भी बच्चे बोल रहे हैं कि मैम से के इंक्रीज कर दें, ऐड नहीं हो रहा। हाँ मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा, मैंने उनको मेल की हुई है तो नेक्स्ट क्लास में। मैम आप इस क्लास की अटेंडेंस ना मार्क कीजिएगा फिर किसी के ही वो सुना हो ना। इस क्लास की अटेंडेंस ना मार्क करूं बेटे, 10 तो आपकी क्लास की टोटल सबके प्रेजेंट लगा दूंगा जी। मैम वो इशू है ना, तो जो जिनका नहीं ऐड हो रहा वो ऐड कर रहे हैं ना, तो फिर हाँ तो वो बच्चे मुझे स्क्रीनशॉट दे देना। हाँ स्क्रीनशॉट भी तो सिर्फ 100 बच्चों का आएगा ना, तो वो जो ऊपर वाले 44 बच्चे हैं वो तो रह गए। मैम वो आपको मेल कर देते हैं ना। ठीक है अब जो क्लास नहीं ले रहे ना उनको ना मेल करने लग जाना या मैसेज करने लग जाना कि मैम को मेल कर दो, अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। चीटिंग नहीं करनी। नहीं मैम कोई जानने वाला नहीं। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है आपका प्रेजेंट जो कंप्लेन होती है उसकी आप हिस्ट्री और किस तरह से लेते हो, लाइक उसकी और क्या टाइप हो सकती है। एक टाइप तो पेन है मैम। नहीं एक तो होता है ना जो प्रेजेंट कंप्लेन होती है वो परसिस्टेंट होती है, ठीक है। एक होती है ऑन एंड ऑफ, लाइक बाउट्स में हो रही होती है, कभी प्रॉब्लम हो रहा है कभी ठीक हो गया, कभी आपको लगता है कि अब ये फिर दोबारा हो रहा है, फिर आपको लगता है कि अब बिल्कुल ठीक हो गया एकदम से फिर शुरू हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं बाउट्स। इसमें जरूरी होता है कि वैसे तो ये आपको इंफॉर्मेशन जो होती है ना पेशेंट से खुद निकलवानी पड़ती है क्रॉस क्वेश्चनिंग करके और इस तरह से, ठीक है। अच्छा आप अगर कोई आप पेशेंट आपको कह रहा है कि उसका जो शुगर लेवल है वो काफी अरसे से जो है वो ज्यादा रह रहा है लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं खा रहा अनहेल्दी, तो आप उससे किस तरह के क्वेश्चंस करोगे कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि ये झूठ बोल रहा है या ये मिसगाइड कर रहा है या ये सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा आपको। मैम उससे 24 आवर रिकॉल ले सकते हैं। हाँ तो आप 24 आवर रिकॉल में भी उसको 24 आवर रिकॉल में आपको क्या गारंटी है कि वो सही बता रहा है आपको। मैम हम उनके जो खाने पीने का स्केड्यूल है उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक कि वेजिटेरियन है या बहुत ज्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करने वाले, या उनकी जो कंपनी होती है कि बहुत ज्यादा सोशल है या एंटी सोशल है। अगर बहुत ज्यादा सोशल है तो वो बाहर का खाएंगे। ठीक है और उसके अलावा हम मैम हम उन्हें कहेंगे कि आप अगर शुगर नहीं खाते आपका वो डायबिटीज है आपको तो आप फिर इधर क्यों आए अगर आपको शुगर अगर आप शुगर नहीं खाते तो। मैंने आपको ये सबसे पहले वो जो बेसिक एथिक्स है ना उस पे मैंने आपको बताया था कि आपने पेशेंट से ऐसी कोई बात नहीं करनी कि उसको लगे कि आप उसका मजाक उड़ा रहे हो, ठीक है। जजमेंटल नहीं हो मैम। हाँ जी मैम अगर हम उससे ऐसे सवाल पूछे जैसे कि आप ये तो नहीं करते ये तो नहीं करते वो तंग ये तो नहीं ये तो नहीं मैं क्या उसको इरिटेट नहीं करना उससे। मैम जिस तरह डायबिटीज का पेशेंट है लेकिन उनको लगता है कि सिर्फ मीठा खाने से शुगर लेवल बढ़ सकते हैं तो हम उनका फ्रूट इनटेक पूछ सकते हैं या जो कार्बोहाइड्रेट जिस तरह पास्ता हो गए या चावल है इस तरह की चीजें उनकी चीजों का कंजम्पशन पूछ सकते हैं। जी एग्जैक्टली मैम एक एग्जांपल है ये जैसे हाइपरटेंशन हो जाती है ना तो उसके बीच ये होता है कि लोग कहते हैं कि नहीं हम तो नमकीन चीजें नहीं खाते ये नहीं करते लेकिन वो तंदूर की रोटियां खाते हैं जिसके बीच में नमक होता है, बाहर से कोई चीज खाते हैं उसमें नमक होता है तो लिहाज से हमें पता लग जाता है। अब ये डायबिटीज वाले एग्जांपल का तो मुझे नहीं पता लेकिन इसका पता। जी जी ठीक है। अच्छा उसके बाद और पता है ये भी बहुत जो मतलब लेमैन है ना उसमें ये भी मिसकंसेप्शन होती है, अगर उसको कहा जाता है ना कि आप ब्राउन राइस ले रहे हैं या व्हाइट राइस
तो वो कहेंगे कि ब्राउन राइस. अब उनके लिए ब्राउन राइस कौन से होते हैं, वो पके हुए जो कलर में ब्राउन होते हैं ना, वो उसको ब्राउन राइस कंसीडर कर रहे होते हैं. तो आपने इस तरह से उनसे क्वेश्चनिंग करनी होती है रिपीटेडली, लेकिन डिफरेंट वर्ड्स के साथ, कि वो आपको चीजें खुद ही बता दें. मैम इसका क्वेश्चन फिर इस तरह से कर सकते हैं कि आप खाना बनाने से पहले आपके चावल किस रंग के होते हैं. हाँ ऐसे भी तो पता लग जाएगा ना. डेफिनेटली आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो, आप ये पूछ सकते हो कि मैं पके हुए चावलों का कलर नहीं पूछ रहा, पकाने से पहले जो था वो कलर आप मुझे बताएं. ठीक है, इस तरह से आपको भी कंफर्मेशन हो जाती है कि वो क्या चीज कंज्यूम कर रहा है. ठीक है, डीपीटी के बच्चों को समझ आ रही है, क्योंकि मैं एग्जैक्टली उनकी एग्जाम्पल्स के साथ तो उस तरह से रिलेट नहीं कर सकूंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उनको भी कुछ इस तरह से बताऊं कि उनको विद एग्जाम्पल्स जो है वो समझ आ जाए. डीपीटी के बच्चों समझ आ रहा है आप लोगों को? मुझे शुरू में दो तीन बच्चों की आवाज आई थी कि हम डीपीटी के हैं, इसलिए पूछ रही हूँ मैं. नहीं है कोई भी? मैम आप उनके लिए वो कैल्शियम के मिसाल दे देना कि वो दूध पीते हैं कि नहीं पीते, अपनी डाइट में लेते हैं कि नहीं लेते, वो भी तो पूछ सकते हैं. ऑस्टियोपोरोसिस उन्हें हो रहा है, एज के हिसाब से पी रहे हैं कि नहीं पी रहे. बिल्कुल, लेकिन ये है कि अगर मैं उनको फूड से रिलेटेड एग्जांपल दूंगी तो डीपीटी के बच्चों को तो नहीं पता ना कि उनको ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, एज फैक्टर है या क्या है, कोई और डिजीज है, एज फैक्टर है, डाइट में प्रॉब्लम है. तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप लोगों को अभी तक सबको क्लियर है ना, इसकी वजह से हो सकता है. यस मैम. ओके, अब आप लोग मुझे बताओगे कि जो भी अगर आपको लगता है कि किसी पेशेंट के अगर आपने सिम्टम्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो जनरल सिम्टम्स में आपके जनरल आइडेंटिफिकेशन जो होती है, आप जनरल असेसमेंट करते हो पेशेंट की, उसमें आप किन किन चीजों को कंसीडर करते हो? आई कलर, नेल, उसकी शेप और उसका. नहीं नहीं नहीं, ये तो हो गया ना फिजिकल जो साइंस एंड सिम्टम्स हो गए, ये तो उसकी कैटेगरी में आ जाता है ना, जिसको क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स भी कहते हैं, कि आप उसमें आइडेंटिफाई करते हो कि नेल्स की शेप कैसी है, कलर कैसा है, स्किन का कलर कैसा है, दांत कैसे हैं उनके, टंग का कलर क्या है, ये सब चीजें तो फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाती है ना. मतलब जो डायरेक्टली क्लिनिकल एग्जामिनेशन से रिलेटेड होती है, मैं जनरल का पूछ रही हूँ. मैम जनरल आप ये तो नहीं कह रही कि मतलब वो हम पेशेंट से पूछेंगे कि किस तरह से आपको काम, किस पॉइंट पे दर्द हो रहा है या क्या है. रीसेंट डिजीज, पहले कोई जो हिस्ट्री में आती है किससे पहले कुछ हुआ हो, या हाई वेट वाला बच्चा कौन था, ये सही बोल रहा था मैम. हाइट वेट पूछेंगे. हाँ जी, वेट पूछोगे आप उनसे, पूछोगे कि आपका वेट कम तो नहीं हुआ पहले से, वेट ज्यादा तो नहीं हुआ. अगर वो ये कहेंगे कि जी हमें तो नहीं पता, हमने तो कभी चेक ही नहीं किया, या एक साल पहले किया था तब इतना था, आप तो नहीं पता, तो आप उनसे ये पूछोगे कि आपके कोई पुराने कपड़े हैं जो आपको अभी भी पूरे आते हैं, या वो आपको लूज हो गए हैं पहले से, या टाइट हो गए हैं, इस तरह की चीजें पूछ सकते हो. ठीक है, फिर उसमें आ जाती है आपकी एपेटाइट आ जाती है. एपेटाइट को आप इस तरह से असेस करते हो कि आप उनसे पूछते हो कि खाना आपको लाइक जो आपको क्रेविंग हो रही होती है खाने की, वो ही आपको टेम्पटिंग फील होता है, या जो है आपको खुद से भी खाने के जो प्रॉपर टाइमिंग्स होती हैं उस पर भूख फील होती है, या अगर आप ज्यादा भूखा रहते हो तो हंगर पैंग्स आ रहे हैं, इस तरह की चीजें आ जाती हैं. ठीक है, पहले से भूख कम हुई है या ज्यादा हुई है,
उसके अलावा आपका आ जाता है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्लीप साइकिल। स्लीप साइकिल, अच्छा पहले तो आप लोग बताओ ना, आप लोगों का स्लीप साइकिल कैसा है? मैम वेकेशंस की वजह से मतलब ऑनलाइन क्लासेस से थोड़ा डिस्टर्ब हुआ हुआ। अच्छा सबका ही मैम बहुत खराब हो गया। नाइट आउल्स बन गए सारे। यस मैम इंशाल्लाह अब क्लासेस फिजिकल होंगी तो प्रॉपर जैसे सारी रूटीन ठीक होगी वैसे ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही ठीक है। अब आपने जो है फिर ये कौन है? बच्चे अपना माइक बंद करें। सॉरी मैम गलती से ऑन हो गया। कहाँ थे हम? स्लीप साइकिल। ठीक है आपने उनके सोने और जागने की रूटीन पूछनी है। सबसे जो मेन चीज होती है ना, अगर तो आपकी सोने की ही रूटीन खराब हो जाती, मतलब ये जो है ना ये आपकी बहुत बेसिक चीजें हैं और कह लो कि यही आपकी जो है ना किसी भी और हेल्थ कंडीशन की जो है रूट कॉज होती है। ठीक हो गया। क्योंकि जब आप जो रात का टाइम होता है ना स्पेशली आफ्टर 9 या उसको कंसिडर कर लो कि आप इशा के बाद वाला टाइम, तो वो आपका जो होता है वो डीप स्लीप का टाइम स्टार्ट होता है उसके बाद से, और बॉडी की जितनी भी रिपेयर होनी होती है वो आपकी डीप स्लीप में होती है। ठीक है। रात की नींद चाहे आप 5 घंटे भी सो लो ना तो आपके लिए बहुत होती है, मेरे लिए नहीं होती वैसे। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनसे जब स्लीप साइकिल पूछोगे तो फिर उसके बाद आप उनसे जनरली एनर्जी लेवल्स पूछोगे कि वो सारा दिन जो है वो लिथार्जिक फील करते हैं या लिथार्जिक जो है वो, ये मैं आप लोगों के लिए ये वर्ड यूज कर रही हूँ, आपने उनसे पूछना है कि मतलब आप सारा दिन लेजी फील करते हो, कभी जहां बैठ गए बस वहीं बैठे हुए हो, या आप अपने आप को एक्टिव फील नहीं करते या कोई एक्टिविटी नहीं कर पाते। ठीक है। इस तरह की चीजें इसमें आ जाएंगी। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो हम डिजीज को, अच्छा अब इनसे थोड़ा वो आइडिया हो जाता है, फिर उसके बाद हम स्पेसिफिक सिम्टम्स की तरफ चले जाते हैं। अब अगर किसी को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का कोई प्रॉब्लम होगा तो ऑब्वियसली उसकी ब्रेथलेसनेस, पैल्पिटेशन, चेस्ट पेन, एडिमा, इस तरह की उसको कंप्लेन्स आएंगी। ठीक है। आपने ये उससे क्वेश्चनिंग करनी है और फिर वो आप तो मतलब आप थोड़ा सा चलते हो आपको सांस चढ़ने लग जाता है या ऐसे होता है कि आपका सांस रुक रहा है, आपका सांस वापस नहीं आ रहा, इस तरह से पैल्पिटेशन है, आपको फील होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कफ हो गई, इसमें भी ब्रेथलेसनेस जो है वो इसके साथ भी ओवरलैप कर रही है। ठीक है। ऑब्वियसली वो जो वाइटल साइंस होते हैं उसके थ्रू भी हमें पता चलेगा, लेकिन कुछ इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं ना वो सेम भी हो सकते हैं, जैसे अस्थमा है उसमें भी ये कंप्लेन होती है पेशेंट्स को। उसके अलावा आ जाता है जी वीजिंग आ गया, चेस्ट पेन आ गया, ये सारी चीजें जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम के किसी भी मेल फंक्शनिंग को या प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करती हैं। उसके बाद जो है आपके जीआई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ जाते हैं सारे के सारे, इंक्लूडिंग नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, और डिस्फेजिया आ गया, कॉन्स्टिपेशन, इस तरह की ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है। फिर यूरिनरी सिस्टम में होता है यूरिन आउटपुट कम है, यूरिन आउटपुट ज्यादा है, रात को जो है वो यूरिनेशन ज्यादा हो रही है, इस तरह की चीजें आ जाती हैं इसमें। फिर आ जाता है एंड पे आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के आपको जो है वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील होती है, हेडेक होता है, टिंगलिंग फील होती है आपको किसी भी बॉडी पार्ट में, या जो है आपको नमनेस फील होती है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये नर्वस सिस्टम का कोई प्रॉब्लम है। ठीक है।
आज का हमारा टॉपिक खत्म हो गया, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ ले। मैम हम SCP-2 के लिए वेबसाइट फॉलो करेंगे। जी आपको लॉग बुक मिली? नो मैम। अच्छा वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, फॉरवर्ड कर दूंगी, ठीक है? वो आपने फॉलो करनी है, उसमें अगर उन्होंने मतलब उसी में ही आपकी जो है ना वो असाइनमेंट्स वगैरह टास्क जो है वो भी उसी में मेंशन है, तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगी कि ये आप मुझे इस क्लास में सबमिट करवा दो, ये इस क्लास में सबमिट करवा दो, या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पहले ही पूछ ले, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी और फिर आप लोग उसी को फॉलो कर लें जिसमें उन्होंने बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, आप वहां से बुक का भी देख सकते हैं वो पार्ट अगर आपको थोड़ी डिटेल चाहिए तो। वैसे जो मैंने आपको पढ़ाया अभी आप लोग नोट कर रहे थे, लेक्चर नोट कर रहे थे बच्चे? जी मैम। ठीक है। एक्सक्यूज मी मिस। जी बेटे। मिस आप इस लेक्चर की प्लीज रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, एक्चुअली ना कनेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि पार्टिसिपेंट्स लिमिट फुल हो चुकी थी। जी ठीक है मैं कर दूंगी, ठीक है मैं कर दूंगी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी इसके। ठीक है मैम थैंक यू। और मैंने आप लोगों को मैम अटेंडेंस की मेल सबको करनी होगी? नहीं बच्चे सबने नहीं करनी, जिनको ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आया ना और वो ज्वाइन करना चाह रहे थे वो करेंगे मुझे मेल, ठीक है? मैं उनके मैम इसके लेक्चर स्लाइड्स फॉर्म में हमें नहीं मिलेंगे बच्चे, मैंने इसकी स्लाइड्स ना प्रिपेयर नहीं की, इसका कंटेंट आपका बहुत थोड़ा है और लॉग बुक से ही आपने जो है इसको फॉलो करना है, जिस चीज की आपको समझ नहीं आएगी वो आप मुझसे पूछ लें और मतलब मैं आपको जितने दफा भी पूछेंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को छोटे से छोटा क्वेश्चन भी हो कोई भी इशू हो वो मुझसे पूछ ले। स्लाइड्स मैंने नहीं प्रिपेयर की, अगर तो हैंड रिटन नोट्स आपको उसकी पिक्चर्स वगैरह कुछ इस तरह का चाहिए तो वो मुझे बता दो, वो मैं कर सकती हूँ कि नेक्स्ट टाइम से मैं थोड़े नीट बना लूंगी तो वो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूंगी कि मैंने ये पॉइंट्स उनको डिटेल में एक्सप्लेन किया, ठीक है? एक्सक्यूज मी मिस एक और चीज, ये जी, अभी मंडे से खुल रही है यूनिवर्सिटी जी, तो हम लोग विजिट करेंगे मतलब जाएंगे या ऑन कैंपस आएंगे इस लेक्चर के लिए? इस लेक्चर के लिए आई गेस अगर तो सबका ही सबको वो बुला रहे हैं और या फिर हो सकता है कि हाइब्रिड भी हो सकता है, इसके भी चांसेस हैं क्योंकि उसमें वो मेंशन हुआ हुआ था मेल में हमें कि जिनकी वैक्सीनेशन हुई हुई है उनको हम ऑन कैंपस बुलाएंगे या जिनको कोई इशू आ रहा है ऑनलाइन क्लासेस लेने में वो ऑन कैंपस आएंगे, बाकी बच्चे ऑनलाइन आएंगे, लेकिन फिर उसके बाद ही हमें वो इवन नॉट वाली भी मेल आई थी उसकी, खैर मुझे तो समझ नहीं आई क्या कह रहे हो बेटे मुझे समझ नहीं आई एमन मैम इवन नॉट करके भी यूनिवर्सिटी नहीं बुलाया था हमें, यूनिवर्सिटी नहीं बुलाया था क्यों? नो मैम क्लासेस ही नहीं हो रही थी यूनिवर्सिटी। अच्छा अच्छा नहीं लेकिन टीचर्स तो सभी आ रहे हैं, आप लोगों को नोटिफाई कर देंगे वो लोग। मैम सीनियर्स आए थे लास्ट टाइम जब यूनिवर्सिटी एक मंथ ओपन हुई थी ना, सीनियर्स आए थे और मैम SCP के लिए हम लोग हॉस्पिटल जाते रहे हैं SCP-1 में लास्ट ईयर नवंबर में। अच्छा तो फिर आपका अगर जो इसका प्रैक्टिकल वगैरह होगा ना, हाँ मैंने इसका वो लॉग बुक गो थ्रू करी थी उसमें पेशेंट असेसमेंट और डायग्नोसिस वगैरह वो सारा कुछ था, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी करवाएंगे विजिट या टर्न वाइज आपका जो है वो अरेंज करवाएंगे, लेकिन इसके बारे में मुझे भी कोई श्योरिटी नहीं है, ये तो फाइनल yes, जो है वो सर उमर ही बताएंगे। SCP-1 में भी नहीं गए हॉस्पिटल रोटेशन पे, एक दफा भी नहीं आप लोगों ने विजिट किया? नो मैम। और आप लोगों ने कहीं मतलब पर्सनली भी नहीं कुछ ट्राई किया कि आप लोग खुद जाकर कर लो? नो मैम अभी तक तो नहीं किया। इंटर्नशिप वगैरह कहीं पर भी ऑफर नहीं हो रही आप लोगों को? मैम हो रही है, हो रही है लेकिन मिड्स के टाइम पे होती है, फाइनल के टाइम पर होती है, तो उस वक्त हम इंटर्नशिप करने जाए पे चल रही है वो ऑलमोस्ट 1-2 महीने के बाद बैचेस स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा
तो आप लोग एक जो है जब आप लोगों के पास इस तरह से फ्री टाइम था तो आप लोग कोई इंटर्नशिप पे कर लेते ताकि आपका एक्सपोजर होता थोड़ा, क्योंकि देखो जो प्रैक्टिकल वाली चीजें होती है ना, नो डाउट के वो जब तक आप खुद नहीं करते तो वो उस तरह से आपको समझ नहीं आती, आपका एक्सपोजर होना yes, बहुत जरूरी है। वर्बली तो मैं आपको सारा कुछ वो बता दूंगी हमारे पास जी, कुछ हॉस्पिटल्स करवा भी नहीं रहे थे इंटर्नशिप कोविड की वजह से। थोड़े थोड़े मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स बनाकर अगर आप लोग जाते ना तो शायद वो आपको अकोमोडेट कर लेते, लेकिन चलें अब इंशाल्लाह आप लोग वैक्सीनेशन तो करवाएं ना, आपका हो जाएगा कुछ ना कुछ तो आपका हो ही जाएगा। वैसे सॉरी ये क्वेश्चन मैंने आपसे शुरू में पूछा था, ये सेमेस्टर कौन सा है? ठीक है चलें, और किसी का कोई क्वेश्चन? आप लोगों के जो यहाँ पर मुझे नेम्स शो हो रहे हैं वही हैं आप लोगों के उधर ऑफिशियल जो आपका है लिस्ट वगैरह yes, अटेंडेंस yes, लिस्ट उसमें भी वही है। मैं भी यहीं yes, पे स्क्रीनशॉट ले रही हूँ, बाकी बच्चे मुझे मेल कर दें ठीक है? ओके मैम, ओके मैम, ओके मैम। मैम ये हमारी पहली क्लास थी ना एससीपी टू की? जी पहली थी। ओके लव फीस। अभी बच्चों आपने लेकिन लीव नहीं करना, मुझे स्क्रीनशॉट लेने दो। ओके मानो ठीक है आप लोग अब जा सकते हैं, सबके अटेंडेंस हो गई है और जिसका नहीं हुआ ना वो मुझे जो ऐड नहीं हो सका वो मुझे मेल कर दे। ऑलराइट मैम थैंक यू। ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।